हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी अपनी निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई भी उन्हीं से करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के नुकसान का मुआवजा उन्हीं दंगाइयों से वसूला जाएगा जिन्होंने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया हो। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही इश्यू करेगी लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप इश्यू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। और एक बार मैं फिर से राजू राज जी न्यूज संवाददाता का रुख करना चाहूंगी। राजू राज इस समय नूह में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से हमें हर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। राजू राज ये बहुत सारी चैट्स इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें जो भी नाम दिखाई दे रहे हैं वो एक खास समुदाय के दिख रहे हैं, लेकिन मैंने खुद अपने बुलेटिन में एक गाड़ी में से भगवा कपड़े पहने हुए लाठी डंडे लेकर एक समुदाय के लोगों को निकलते हुए देखा था। तो कुल मिलाकर दोनों समुदायों की तरफ से ये जो दंगे भड़के है, हिंसा भड़की है, सुनियोजित साजिश की बात कही जा रही है। आप वहां मौके पर मौजूद हैं, आपको जमीन पर देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि बाहर से लोग आए थे और इस हिंसा को भड़काया गया। बिल्कुल स्वप्ना, ये एक जो बाहरी लोगों का बात है और इस बात से भी प्रशासन ने भी ना इनकार किया, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमारी बात, उनका साफ तौर पर कहना था कि दूसरे जिले से लोग आए होते। सबसे बड़ा सवाल है कि चाहे वो कोई भी पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों की तरफ से मैसेज वायरल हुए हैं और तमाम जानकारी प्रशासन को पहले से थी, यहाँ हिंसा हो सकती है, यहाँ पर भीड़ आ सकता है, कितनी तादाद में हो सकता है, और लोग पहले से इसके लिए तैयारी भी कर रखे थे। लेकिन इसके बावजूद भी लोकल जो इंटेलिजेंस है, जो एलआईयू है, उनका काम होता है कि तमाम जानकारी अपने आला अधिकारी तक पहुँचा और उसके बाद कोई एक्शन प्लान किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि दो बड़े सीनियर अधिकारी जो नूह जिले में थे दोनों छुट्टी पर थे, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात है कि जितनी फोर्स की ज़रूरत थी उतनी फोर्स तैनात नहीं किए गए थे। हाँ, ये जरूर कहा जा कि आसपास के तमाम जिलों को इस बात की जानकारी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने है। निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो सोशल मीडिया देखा जा रहा है उसके लिए अलग से एक टीम बनाई गई है। दूसरी एक और जो हमारे सूत्र बताए, जो तमाम जो सीनियर अधिकारियों से बात हुई, कि एक एंगल ये भी सामने आ रहा है कि चूंकि इधर पिछले कुछ 3-4 महीनों से जो लोकल प्रशासन है सोशल मीडिया के जरिए या फिर जो साइबर अपराधी हैं नूह में, चूंकि साइबर अपराध का एक हब माना जाता है, भरतपुर का रीजन हो या फिर अलवर का हो या फिर मेवात नू का हो, यहां पर साइबर अपराधी भारी संख्या में और पिछले कुछ दिनों में काफी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसलिए जो साइबर अपराधी हैं उन्होंने इस पूरे घटना की फंडिंग की और उसके जरिए इस पूरे घटना को अंजाम दिया, यह भी एक एंगल सामने आ रहा है। इस एंगल की भी प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है। तो आप जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो वैसे वैसे कई एंगल इसमें सामने आ रहे हैं। जहां तक सुनियोजित साजिश की बात है, निश्चित तौर पर जब शोभा यात्रा यहां पर निकल रही थी और उसी दौरान यहां पर जो तमाम जो लोग थे, दूसरे पक्ष के लोग थे, उनके पास हथियार पहले से थे, पत्थर थे और पत्थर भर के आए थे, और सिर्फ पत्थरबाजी नहीं, गाड़ियों को आग के हवाले ही नहीं किया। कई ऐसे मार्केट है जहां पर शोभा यात्रा का बिल्कुल कोई और नहीं राजू था। राजू आप तो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, जो दंगाई गए थे, राजू आप तो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, आप जानते हैं कि मेवात का जो इलाका है ये फुल ऑफ क्रिमिनल्स है, और मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेवाती गैंग ये मैंने सुना है, और आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे इलाके में शोभा यात्रा निकल रही है, पुख्ता इंतजाम नहीं है, दोनों समुदायों के लिए ये बहुत ही, जिसे कहा जाए कि सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाका है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब पूरे इंतजाम थे, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शोभा यात्रा को मैं कहा गया था उस तरीके से उन लोगों ने उन नियमों का पालन नहीं किया, कुल मिलाकर जिम्मेदार कोई भी हो लेकिन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज का बहुत नुकसान हुआ है यहां पर। देखिए निश्चित तौर पर स्वप्ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात बताएं, एक यहाँ पर बाइक का शोरूम था, उनके गोदाम से लगभग 200 बाइक चोरी हो गई, एक बर्तन का एक बड़ा शोरूम था पूरे इलाके में, पूरे नूर डिस्ट्रिक्ट में वो बर्तन का कारोबार करते हैं, उनके दुकानों को तोड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, यहाँ तक कि जो दंगाई थे, जो उपद्रवी थे, वो चेहरे पर नकाब लगाए थे और उसमें 20 से 25 साल के लड़के थे, 16 साल के कुछ नाबालिग बच्चे भी थे, उनको भी देखा गया। तो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे उकसाया गया और
ना कहीं नाकामी निश्चित तौर पर प्रशासन की है। यहीं पर आप देखिए कि तालमेल नहीं है, चाहे वो सीएम मनोहर लाल खट्टर हो, डिप्टी सीएम, उनके बयान में भी एक तालमेल नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब पूरे मामले को, जो घटना घट गई, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उनके पास फोर्स थे। खुद आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बताया गया महज 800 पुलिसकर्मी। आप बताइए कि इतनी संख्या में शोभा यात्रा निकल रही है, लोग सड़कों पर हैं, तमाम मैसेज वायरल हैं, और उसके बाद चार डिवीजन में मात्र 800 पुलिसकर्मी। क्या रिजर्व फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था? सोशल मीडिया के जरिए उन तमाम लोगों को पहले से क्यों नहीं प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया जो अपने मैसेज को वायरल कर रहे थे? क्योंकि अब यह घटना घट गई है, साइबर थाने को आग के हवाले कर दिया गया, वहां पर तोड़फोड़ की गई, उसके बावजूद आप प्रिवेंटिव एक्शन लेने के बजाय तमाम चीजों को डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब और बिल्कुल राजूराज, सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष, इवन विपक्ष भी जो है वो राजनीति करने पर ही लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीन।